आज मैं बनाने वाली हूँ बेबी फ्रॉक प्रिंसेस टाइप। उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 मीटर्स की नेट फैब्रिक ली है और उसमें लाइनिंग के लिए 2 मीटर्स के शामों की फैब्रिक ली है और ऊपर योक पार्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सेम एम्ब्रॉयडरी नेट फैब्रिक ली है 1 मीटर और उसके लिए लाइनिंग ली है 1 मीटर शामों की। तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं। पहले हम इसका योक पार्ट कट करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक 4 फोल्ड कर लिया है जैसे कि नॉर्मल हर योक पार्ट कट करते वक्त करते हैं। अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो मेरा यहाँ पे लेंथ है 8.5। जितना भी आपका लेंथ है उसमें हम 1 प्लस ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 9.5 पे मार्क कर लिया है। ये हम बेबी फ्रॉक बना रहे हैं इसलिए इसमें फैब्रिक कम लगेगा। तो हम ये लाइन मार्जिन ड्रॉ कर लेंगे लेंथ की। ये हो गई हमारी लेंथ मार्किंग। अब हम ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन ड्रॉ कर लेंगे ताकि जब हम शोल्डर अटैच करें तो उसमें चले जाएगा। अब हम इसका शोल्डर मार्क कर लेंगे। तो मेरा यहाँ पे शोल्डर है 4 इंच बस। और अब हम इसका आर्म होल मार्क कर लेंगे। आर्म होल भी सेम 4 इंचेस। तब हम इसका शोल्डर टू आर्म होल मार्जिन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे मेरा मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे चेस्ट है 21 का 4th पार्ट है 5.25। अब हम 5.25 पर एक मार्क ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे मेरा वेस्ट है 19 का 4th पार्ट है 4.75। हम 4.75 पर मार्क कर लेंगे और हमारा चेस्ट मार्क टू वेस्ट मार्क हम मार्जिन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे 2 इंचेस। वेस्ट के पास भी हम 2 इंचेस रहेंगे प्लस 1/2 इंच क्योंकि हमें वेस्ट में टक्स लेना होता है। तो बेबी फ्रॉक के उसके लिए मैंने यहाँ पर ओनली 1/2 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा लिया है। अब हम इसे ड्रॉ कर लेंगे मार्जिन। यहाँ पर मार्जिन ड्रॉ कर लिया है। अब हम आर्म होल में 1 इंच की गोलाई दे देंगे। तो यहाँ हमारा आर्म होल मार्किंग भी कम्प्लीट हो चुकी है। अब हम इसका शोल्डर लेंगे 2.5 और हम इसका लेंथ लेंगे 4 इंचेस। तब हम इसका एक बॉक्स बना लेंगे और हमें इसकी नेक की शेप दे देंगे नेक शेप। तो ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है योक पार्ट की। तो हम इसे कट कर लेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही और डिज़ाइंस के लिए आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो ये हो गई हमारी कटिंग कंप्लीट। हम इसका फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट अलग कर लेंगे और फ्रंट पार्ट में आर्म होल के अंदर की गोलाई एंड नेक कट कर लेंगे। तो अंदर से मैंने गोलाई की मार्किंग कर ली है आर्म होल की। अब हम इसे कट कर लेंगे। वैसे हम इसका नेक भी कट कर लेंगे। यह फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका तब देख सकते हैं। अब हम इसके बैक पार्ट की नेक कट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लेंथ ली है 3.5 इंचेस और शोल्डर ली है 2.5 इंचेस। अब हम इसमें ब्लॉक्स बना लेंगे और इसमें राउंड शेप कट कर लेंगे। तो ये हो चुकी है हमारी बैक पार्ट की कटिंग। तो ये हो गया हमारी योक पार्ट की कटिंग। अब हम इसका आर्म होल मेजर कर लेंगे स्लीव्स के लिए। तो मेरा यहाँ पे आर्म होल है 7 इंचेस। तो ये योक पार्ट हम बाजू में रख देंगे। अब हम इसके स्लीव्स कट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे स्लीव्स के लिए कपड़ा 4 फोल्ड कर लिया है जैसे कि हम हर नॉर्मल स्लीव्स में करते हैं। यहाँ पे मेरी लेंथ है 9.5 इंचेस। अब हम उसमें 2 ऐड करेंगे तो हो गया 11.5 इंचेस। अब हम 11.5 इंचेस पर मार्क कर लेंगे और हम इसकी एक लाइन मार्जिन ड्रॉ कर लेंगे। तो हमारा आर्म होल था 4 इंचेस। तो अब हम इसमें 4 इंचेस पर मार्क करेंगे और नीचे शेप के लिए 3 इंचेस का एक मार्क ड्रॉ कर लेंगे और विड्थ में भी हम इसका 4 इंचेस निशान डालेंगे और इसमें आर्म होल का स्लीव्स का शेप दे देंगे। और इसमें मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ली है। अब हम इसका मेजर कर लेंगे। तो ये हमारा 7 इंचेस आ रहा है।
अब हम इसका स्लीव्स राउंड का भी मार्क कर लेंगे और इसमें 2 इंचेस एक्स्ट्रा मार्जिन डालेंगे और इसमें एक शेप मार्क कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी स्लीव्स की मार्किंग। अब हम इसे कट करेंगे। ऐसे ही और डिज़ाइंस के लिए आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो ये हो गया हमारी स्लीव्स की कटिंग। अब हम इसका बीच में से एक निशान मार्क कर लेंगे। तब हम इसमें ओपन कर लेंगे स्लीव्स को और हम फ्रंट शेप कट कर लेंगे स्लीव्स में। तो मैंने यहाँ पे फ्रंट स्लीव्स के अंदर की गोलाई कट कर ली है। तो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब हम योक पार्ट की लाइनिंग कट करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे लाइनिंग 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम इसका मेन पार्ट ऊपर रखते हुए इसकी लाइनिंग कट कर लेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो ये हमारी लाइनिंग कट हो चुकी है योक पार्ट की। तो अब हम इसका घेरे का लेंथ कट करेंगे। तो मेरा यहाँ पे घेरे का लेंथ है 22.5। तो ये फैब्रिक बड़े पन्ने का है, तो इसलिए मैंने इसे डबल फोल्ड करके बीच में से कट कर लिया है। तो ये हमारा घेरे का लेंथ 22.5 रेडी हो चुका है। अब हम इसकी लाइनिंग कट करेंगे। तो लाइनिंग की हम इसकी लेंथ लेंगे 19.5। अब हम 19.5 पर मार्क करके इसके एक मार्जिन ड्रॉ कर लेंगे और इस मार्जिन को अब हम कट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये हमारी लाइनिंग की कटिंग हो चुकी है। तो ये हमारा फ्रंट नेक भी रेडी हो चुका है। इसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब हम इसमें टक्स स्टिच कर लेंगे फ्रंट नेक में, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब हम इसका बैक पार्ट रेडी करेंगे। मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक लाइनिंग पर रख कर स्टिच कर रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसका जो भी एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक होगा उसे हम कट कर लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट एंड बैक पार्ट्स रेडी हो चुके हैं। अब हम बैक पार्ट में भी टक्स स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट एंड बैक पार्ट्स रेडी हो चुके हैं फिनिशिंग के साथ। अब हम इसके शोल्डर्स जॉइंट करेंगे। तो ये मैंने शोल्डर जॉइंट कर दिए हैं। अब हम इसका बैक पार्ट रेडी करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे बुकरम की पट्टी लगा कर भी इसका बैक पार्ट बना सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे पट्टी के साथ, क्रॉस पट्टी के साथ इसका बैक नेक स्टिच किया है। तो ये हमारा हो गया है योक पार्ट रेडी। अब हम इसका बेल्ट स्टिच करेंगे। तो मैंने यहाँ पे बेल्ट की विड्थ ली है 3 इंचेस। अब हम इसे योक पार्ट पर रख कर स्टिच करेंगे इस बेल्ट को, जिसे आप वीडियो में देख सकते हैं। और हम ऊपर से फिक्स स्टिच डाल लेंगे इसके ऊपर से, जैसे कि आप देख रहे हैं। ऐसे ही पट्टी हम बेल्ट बैक पार्ट पे भी लगाएंगे, सेम टू सेम जैसे हम फ्रंट पार्ट में लगाया है वैसे ही हम स्टिच कर लेंगे। और इसके ऊपर से एक फिक्स सिलाई भी डाल लेंगे। तो ये हमारी बेल्ट की फ्रंट एंड बैक पार्ट में स्टिचिंग हो चुकी है। अब हम इसका गहरा स्टिच करेंगे। तो मैंने यहाँ पे बॉक्स प्लेट्स लिए हैं। बॉक्स प्लेट्स लेते हुए मैंने यहाँ पे गहरा स्टिच किया है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। पहले हम इसका मेन फैब्रिक स्टिच करेंगे। ऐसे ही हमने बैक पार्ट भी स्टिच कर लिया, बैक पार्ट का भी गहरा स्टिच कर लिया है। अब हम इसकी लाइनिंग रखकर, मेन फैब्रिक पर इसके लाइनिंग रखकर बॉक्स प्लेट रखते हुए स्टिच करेंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो मैंने यहाँ पे लाइनिंग में भी बॉक्स प्लेट्स ही लिए हैं घेरे के लिए। तो ये मैंने लाइनिंग अटैच कर ली है मेन फैब्रिक पर।
ऐसे ही हम बैक पार्ट की भी लाइनिंग अटैच कर लेंगे। तो मेरा यहाँ पे फ्रंट एंड बैक पार्ट का गहरा विथ लाइनिंग स्टिच हो चुका है सब। अब हम बेल्ट के नीचे वाले पार्ट में हम गहरे अटैच करेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो ये हमारा हो चुकी है गहरे स्टिचिंग। आप देख सकते हैं गहरा किस तरह से स्टिच हुआ है बेल्ट के नीचे से, एकदम फिनिशिंग के साथ, बेल्ट के साथ कितना अच्छा दिख रहा है। ऐसे हम इसका फ्रंट पार्ट भी स्टिच कर लेंगे। अब हम इसके स्लीव स्टिच कर लेंगे, जैसे कि हम नॉर्मल स्लीव स्टिच करते हैं वैसे हम इसके भी स्टिच कर लेंगे स्लीव्स। तो हमारे स्लीव्स की स्टिचिंग हो चुकी है। आप देख सकते हैं स्लीव्स किस तरह से यहाँ पर स्टिच हो चुकी है। वैसे हम इसका दूसरे वाले स्लीव्स पर स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारा गाउन नियरली स्टिच हो चुका है, बस फिटिंग एक बाकी है। तो हम पीछे इसमें डोरी लगाएंगे बेल्ट के पास से। तो इसके लिए मैंने 3 इंचेस विड्थ की फैब्रिक ली है और उसे हम फोल्ड करते हुए एक स्टिच कर लेंगे। स्टिच करते हुए एंड पर हम एक शेप दे देंगे। तो ये हमारे दो स्लीव्स रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे किस तरह से फोल्ड कर रही हूँ, सीधा कर रही हूँ डोरी को। तो ये हमारी डोरी सीधी हो चुकी है। वैसे हम इसका सेकेंड वाला भी कर लेंगे। अब हम इसे स्टिच करेंगे। तो हम डोरी को बेल्ट की तरफ रखते हुए स्टिच करेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। जैसे ही हमारा गहरे पर स्टिचिंग होगी तो हम इसे 2 इंचेस पर स्टिच करके स्टॉप कर लेंगे। अब देख सकते हैं मैंने 2 इंचेस पर लॉक कर लिया है स्टिच को। हम इसे निकाल लेंगे। पहले हम इसका नेट वाला फैब्रिक स्टिच करेंगे, नीचे से स्टिच करेंगे मेन फैब्रिक। नीचे से मेन फैब्रिक स्टिच करते हुए आएंगे हम, जहाँ पर हमने थ्रेड को लॉक करा था वहाँ तक हम इसे स्टिच करेंगे मेन फैब्रिक को। और फिर से फैब्रिक थ्रेड लॉक कर देंगे फैब्रिक पर। तो अब हम मेन फैब्रिक अंदर रखते हुए इसकी लाइनिंग वाली फैब्रिक जहाँ पर हमने थ्रेड लॉक करा था वहाँ से ही हम इसका लाइनिंग वाला फैब्रिक नीचे तक स्टिच कर लेंगे। तो जब स्टिच हो जाएगा तब साइड में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। वैसे ही अब देख सकते हैं कितने फिनिशिंग के साथ स्टिच हो गया है हमारा गहरा। वैसे हम इसका बाजू वाला पार्ट भी स्टिच कर लेंगे। जब ये स्टिच हो जाए तो हम नीचे से 2 फोल्ड करते हुए फैब्रिक को लॉक कर देंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं मैं यहाँ पे किस तरह से 2 फोल्ड करते हुए स्टिच कर रही हूँ। तो ये हो गया हमारा स्टिचिंग और हो गया हमारा गाउन रेडी। अब देख सकते हैं किस तरह से गाउन डिज़ाइन हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।